माँ के गहने, बहन के कपड़े, महंगे जूते, मेकअप का सामान सब होते थे कहाँ गायब? शक हुआ काम वाली बाई पर। कपिल के शो में रणवीर कपूर का बड़ा खुलासा, बहना और माँ का सामान जाता था गर्लफ्रेंड्स के पास। उप्स, अब तो आलिया होंगी बेहद गुस्सा, घर पर होगा घमासान। अब आप सोच रहे होंगे, यार हमें लगा ये सब हरकतें सिर्फ हम ही करते हैं, यानी कि आम लोग, ये तो स्टार्स भी कम नहीं किसी से। दरअसल जब कपिल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मजाक में कहा कि रणवीर कपूर के जवानी के दिनों में वो अपनी बहन रिधिमा कपूर सहानी के कपड़े अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिया करते थे, तब रणवीर ने भी तुरंत कपिल शर्मा को उल्टा जवाब देते हुए कहा, मैंने तो मम्मी की ज्वेलरी भी मेरी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट दी है। ओहो हो, रणवीर तो गयो साहब। इसके अलावा भी कपिल के नए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वाले शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कई बड़े बड़े राज खुले राह के पापा के। इस शो के पहले ही एपिसोड में रणवीर कपूर ने तो हमें हंसी का डोज दे दिया, पर अपने लिए उन्होंने मुसीबत मोल ली। अब रणवीर को घर जाकर आलिया से पड़ेंगे डोज, क्योंकि द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में नीतू कपूर, रणवीर कपूर और रणवीर की बहन रिधिमा कपूर सहानी नजर आएंगे, पर आलिया काम के चलते इन लोगों के साथ नहीं नजर आएंगी। लेकिन शो में रणवीर कपूर ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आलिया को गुस्सा जरूर आ सकता है। फिलहाल तो पहले एपिसोड का प्रीमियर ट्रेलर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोगों के हंसी छूट रहे हैं, पर रणवीर के पसीने छूटने वाले हैं विदाउट एनी डाउट जब शो होगा टेलीकास्ट और देखेगी आलिया। इस वीडियो में रणवीर ने मम्मी नीतू कपूर और बेटी राहा से रिलेटेड भी कई सारे बातें शेयर किए हैं। इसी बीच जब अर्चना ने रणवीर से पूछा कि क्या वो राहा के डायपर बदलते हैं, तब मजेदार जवाब देते हुए कहा, मैं डकार स्पेशलिस्ट हूँ। पर इसी शो में ये भी पता चला कि रणवीर अपनी बेटी राहा को कितना प्यार करते हैं। इस बात का खुलासा मम्मी नीतू कपूर ने सबसे शेयर किया। उन्होंने कहा, जब राहा को वो देखते हैं तब रणवीर के चेहरे की चमक देखने लायक होती है। वैसे आपको बता दें, ये शो 30 मार्च को रात 8 बजे ऑन एयर होगा, जिसमें रणवीर कपूर के साथ इस शो का पहला एपिसोड प्रीमियर होगा, जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है, पर किसी की लगने वाली है क्लास। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।